Hello friends, welcome to Bachchao Classes. I am Bachchao Sir, director of Bachchao Classes. Bachcha look, let us start Maths 2's first chapter. Bachcha look, its name is Basic Concepts in Geometry. Means bachcha look, we are starting Maths 2. Uska first chapter hai, Basic Concepts in Geometry. Bachcha look, Maths बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है। बच्चों लोग, व्हाट आई एम सेइंग, मैथ्स बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी जरूरी है। इसीलिए बच्चों लोग, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तुम्हारी कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं संकल्पना, इन मराठी इट इज संबोध, संकल्पना। अगर ये संबोध अच्छे हो, कंसेप्ट अच्छे हो, तो बच्चों लोग ज्योमेट्री इतना कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं। ज्योमेट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है इफ योर कंसेप्ट आर नाइस। अगर कंसेप्ट अच्छे है तो नहीं, तो बच्चों लोग ये थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो बच्चे लोग, ये कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में या सब्जेक्ट में या ज्योमेट्री में, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूं। चलो स्टोरी सुनते हैं बच्चों लोग। पहले बच्चों लोग, मार्पा नाम का एक सेंट तिब्बत में हो गया, जैसे अपने इंडिया में नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है, ये बहुत ही अपनी संतों की लंबी परंपरा है। तो बच्चों लोग, वैसे ही मार्पा नाम का एक संत तिब्बत में हुआ है। मार्पा और मार्पा की मम्मा दोनों रहते थे, मार्पा के फादर जो थे वो गुजर चुके थे। और बच्चों लोग, उस टाइम मार्पा की उम्र थी समझो 6-7 साल की। मार्पा और मार्पा की माँ दोनों साथ में रहते थे। बच्चों लोग, मार्पा की माँ की बहुत ही बढ़िया बगिया थी, मीन्स गार्डन था। तो बच्चों लोग, इतना बढ़िया गार्डन था कि पास से गुजरने वाला आदमी कितना भी जल्दी में हो, लेकिन वो वहां रुकता ही, फूलों की तरफ देखता ही, फूलों की सुगंध मन में भर लेता ही, और खुश होकर ही वो उधर से गुजरता। तो बच्चों लोग, मार्पा की माँ की बहुत ही सुंदर गार्डन थी। बच्चों लोग, एक दिन मार्पा की माँ बीमार पड़ी। उसने मार्पा को बुलाया, बोला, मार्पा मैं तो बीमार हूं, घर के बाहर नहीं जा सकती, तो अपने गार्डन का क्या होगा। अभी मार्पा छोटा था, फिर भी वो माँ को बोला, माँ गार्डन की चिंता तू मत कर, गार्डन को मैं देखता हूं। और बच्चों लोग, उसी दिन से मार्पा ने गार्डन में काम करना चालू कर दिया। मार्पा सुबह गार्डन में जाता था और शाम तक गार्डन में काम करता था। सिर्फ खाने के लिए, जरूरी चीजों के लिए मार्पा घर के अंदर आता था। बच्चों लोग, ऐसे मार्पा ने एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरा महीना मार्पा ने काम किया। बच्चों लोग, एक महीना पूरा होने के बाद मार्पा की माँ को अच्छा लगा, वो अच्छी हो गई, तो वो घर के बाहर आई, गार्डन में गई, देखते ही तो क्या, सांप जो भी पेड़ थे, सब जो भी ट्रीज थे, सब खराब हो चुके थे, सबके पत्ते, सबके फूल गिर चुके थे, सब सूख गए थे। तो मार्पा की माँ रोने लगी, रोते रोते उसने मार्पा को आवाज दी, मार्पा इधर आ बेटा। मार्पा आया, फिर रोते रोते माँ ने पूछा, मार्पा तू पूरे महीना भर क्या करता था, क्या किया ऐसा कि अपने तो सभी फूल, सभी पत्ते खराब हो गए, सभी पेड़ खराब हो गए, तूने ऐसा किया क्या। मार्पा ने देखा माँ रो रही है, तो वो भी रोते रोने लगा। वो भी रोते रोते बोला, माँ मैंने तो हर पत्ते की धूल साफ की, मैंने तो हर फूल की धूल साफ की, मैंने हर पत्ते को पानी दिया, मैंने हर फूल को पानी दिया, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कैसे हुआ। बच्चे लोग, मार्पा रोते रोते क्या बोला, माँ मैंने तो हर पत्ते की धूल साफ की, मैंने तो हर फ्लावर की धूल साफ की, मैंने हर पत्ते को पानी दिया, हर
फूल को पानी दिया, लेकिन फिर भी ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ये सुनकर मरपा की मां जो रो रही थी वो रोते रोते भी हंस पड़ी और बोली, अरे बेटा फूल या ट्रीज की, प्लांट की जान क्या फूलों में या पत्ते में होती है क्या बेटा? ट्री की जान, पेड़ों की जान तो उसके रूट्स में होती है। बच्चे तूने किसकी केयर करनी थी? तूने रूट्स की केयर करनी थी। तू तो लीव्स और फ्लावर्स की केयर करते बेटा। तो बच्चे लोग, मारपा ने हार्डवर्क कम नहीं किया था, मारपा ने मेहनत कम नहीं की थी, मारपा ने हर पत्ते को साफ किया, हर फूल को साफ किया, हर पत्ते को पानी दिया, हर फूल को पानी दिया, फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद भी वो बगिया को, वो गार्डन को हरा भरा नहीं रख सका। क्यों? क्योंकि मारपा की कंसेप्ट क्लियर नहीं थी कि किसी पौधे का ख्याल रखना, उसको अच्छे से संभालना, उसका ख्याल रखना मतलब किसका ख्याल रखना, पत्ते का, फूल का या जड़ों का, मींस रूट्स का। अगर बच्चों मारपा की कंसेप्ट क्लियर होती कि पौधे का ख्याल रखना, प्लांट का ख्याल रखना मतलब उसकी जड़ों का ख्याल रखना, तो बच्चों लोग उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। उसने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन कंसेप्ट ठीक नहीं थी कि पौधों की केयर करना, पौधों का ख्याल रखना मतलब उसके रूट्स का ख्याल रखना। बच्चों लोग अगर ये कंसेप्ट क्लियर होती तो मारपा की गार्डन हरी भरी होती। तो बच्चों लोग जैसे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है डे टू डे लाइफ में, वैसे ही बच्चों कंसेप्ट अपने ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं तो तुम्हें ज्योमेट्री बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग लगेगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कितना भी हार्डवर्क कर लो आप अपनी गार्डन को नहीं बचा सकोगे। जैसे मारपा ने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वो पौधों को नहीं बचा सका। तो बच्चों लोग ज्योमेट्री में पहला रूल है कि तुम्हारी सभी कंसेप्ट्स क्या हो, अच्छी हो। कंसेप्ट्स अगर अच्छी है तो यू विल एंजॉय ज्योमेट्री, और कंसेप्ट अच्छी नहीं है तो बच्चों लोग ज्योमेट्री इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू। तो चलो बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बच्चों लोग अपना चैप्टर जिस पेज पे स्टार्ट होता है उस पे कुछ पिरामिड्स की फिगर्स दिखाई है। पिरामिड्स जो इजिप्ट में है, तो बच्चों लोग पिरामिड्स का पीरियड कौन सा है? बच्चों लोग उनको बनवाया गया है बिफोर क्रिस्टी एरा 3000 साल पहले। बिफोर क्रिस्टी एरा 3000 ईयर्स मीन्स आज से गिनेंगे तो 5000 साल पहले ये पिरामिड्स बनवाए गए थे। और अपने जो भी मैथमेटिशियन थेल्स नाम के थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, वो पिरामिड देखने के लिए इजिप्ट गए। बच्चों लोग उन्होंने सिर्फ वो पिरामिड की शाडो कितनी लंबी जाती है वो शाडो गिनकर और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी यूज करकर वो पिरामिड की हाइट काउंट की थी। तो बच्चों लोग पिरामिड की हाइट काउंट करने के लिए उन्होंने क्या, पिरामिड की शाडो कितनी लंबी जाती है, और ही हैज यूज्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी एंड बच्चों लोग ही फाउंड, ही कैलकुलेटेड द करेक्ट हाइट ऑफ दैट पिरामिड्स। तो बच्चों लोग थेल्स के जमाने में भी क्या ज्योमेट्री बहुत ही डेवलप थी। थेल्स के ही शिष्य थे आगे चल के पाइथागोरस। पाइथागोरस इज व्हाट, किसके, थेल्स के शिष्य थे। बच्चों लोग जैसे इजिप्ट में ज्योमेट्री डेवलप हुई, ज्योमेट्री का मतलब ही बच्चों लोग ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री अगर बोलते हैं तो ज्योमेट्री मींस जियो, जियो मींस लैंड, और मेट्रिया मींस टू मेजर। तो लैंड मेजर करने की जरूरत से ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ है। इनिशियली लैंड को मेजर करने के लिए ये ज्योमेट्री डेवलप हुई बच्चों लोग, लेकिन हम देखते हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, वैसे ही बच्चों लोग मोहनजोदारो और हड़प्पा सिटीज जो थे उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से
कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो मींस क्या, हमारे जो भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले लोग थे वो भी क्या जानते थे, ज्योमेट्री अच्छी तरह जानते थे। वैसे ही बच्चों लोग इंडिया में भी भास्कराचार्य जी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये भी जो मैथमेटिशियन थे वो ज्योमेट्री बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है ज्योमेट्री को डेवलप करने में। आप सब लोग तो जानते ही हो, जीरो अपने इंडिया की देन है। बच्चों लोग वैसे ही वैदिक पीरियड्स में अल्टार्स बनाए जाते थे, मींस साधु संत यज्ञ किया करते थे तो यज्ञ कुंड बनाया जाता था। तो बच्चों लोग यज्ञ कुंड बनाने के लिए भी वो रस्सी का इस्तेमाल करते थे, रस्सियों को गांठ मार देते थे और वो गांठ के हिसाब से कितनी गांठ है उसके हिसाब से वो यज्ञ कुंड बनाते थे। मीन्स हजारों साल पहले, मीन्स अपने ऋषि मुनि भी हजारों साल पहले ज्योमेट्री का नॉलेज रखते थे। तो बच्चे लोग ज्योमेट्री मीन्स व्हाट, जियो और मेट्रिया, जियो मीन्स लैंड, मेट्रिया मीन्स टू मेजर, तो जमीन मेजर करने की ये एक कला थी। अपने सब्जेक्ट का नाम हो गया बच्चे लोग ज्योमेट्री बिकॉज ऑफ जियो एंड मेट्रिया। तो बच्चे लोग चलो ज्योमेट्री के अभी कुछ कंसेप्ट सीखना चालू करते हैं। बच्चे लोग लेट अस अंडरस्टैंड सम सिंपल कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री लाइक पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे एंड प्लेन। चलो ये वर्ड्स ज्योमेट्री में बहुत बार दिखाई पड़ेंगे, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, प्लेन। तो चलो पॉइंट क्या है, जैसे हम नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते या जरूरत भी नहीं डिफाइन करने की, वैसे बच्चे लोग ये जो कंसेप्ट्स है पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, प्लेन, उनको भी डिफाइन करने की वैसे जरूरत नहीं, पॉइंट को तो बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट क्या है बच्चों लोग, पॉइंट इज जस्ट सी, मैंने पेन को ब्लैक बोर्ड पे रख दिया, ये जो भी फिगर बन गई ज्योमेट्रिकल फिगर इसको बोलते हैं हम पॉइंट। तो बच्चों लोग पॉइंट इज व्हाट, छोटा सा बिंदु है, ये बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो पॉइंट बोलते हैं। और बाकी सारे जो भी है पॉइंट को छोड़ के, लाइन, सेगमेंट, रे, प्लेन, ये क्या है, ये सेट्स ऑफ पॉइंट्स है, ये पॉइंट से बने हुए सेट्स है। सेट्स को हमने मैथ पार्ट वन में स्टडी किया ही है। तो बच्चे लोग पॉइंट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, पॉइंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट, ये बाकी जो है वो सब सेट ऑफ पॉइंट है। लाइन इज वॉट, इट इज सेट ऑफ पॉइंट इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइन इज वॉट, सेट ऑफ पॉइंट इन अ स्ट्रेट पाथ, इसलिए हम लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज गोइंग टू इंफिनिटी, लाइन इज पाथ ऑफ पॉइंट्स अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट वे, स्ट्रेट वे में जो भी पॉइंट्स अरेंज किए हुए हैं तो उनसे बनते हैं लाइन, डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। बट चलो लाइन के एनी टू पॉइंट्स ऑन लाइन, एनी टू पॉइंट्स ऑन लाइन एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन दिस टू पॉइंट्स सेट ऑफ टू पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन देम इज व्हाट, सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो चलो ये है सेगमेंट, दिस इज रे, दिस इज व्हाट, रे मींस दिस इज ओरिजिन ऑफ द रे एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी इन वन डायरेक्शन। बट एक जगह वो क्या है, चलो एक जगह से शुरू होता है और दूसरी जगह वो दूसरी साइड में वो इंफिनिटी को जाता है, तो ये है रे। और प्लेन तो बच्चे लोग सबसे बड़ा सेट होता है, दिस सेट ऑफ पॉइंट्स लाइक अ प्लेन पेपर, बट कितना बड़ा, तो इट विल ऑक्यूपाई होल यूनिवर्स। जैसे ब्लैक बोर्ड भी क्या है, प्लेन है, सेट ऑफ पॉइंट्स, लेकिन प्लेन क्या होता है, बहुत ही थीन लेयर ऑफ पॉइंट्स, इट इज थीन लेयर ऑफ पॉइंट्स विच विल ऑक्यूपाई होल यूनिवर्स और उससे भी बड़ा। तो बच्चों लोग ये सभी क्या है, कंसेप्ट्स है, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, प्लेन। पॉइंट को तो डिफाइन करने की जरूरत है भी नहीं। तो बच्चों लोग ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। चलो बच्चों लोग अभी नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं।
नंबर लाइन को हम स्टडी करते हैं. नंबर लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस चैप्टर. बच्चों लोग, लेट अस स्टडी द कंसेप्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस. बच्चों लोग, सी योर नंबर लाइन इज ड्रॉन. एक नंबर लाइन दिख रही है. बच्चों लोग, ए बी सी डी ई ओ और पी क्यू आर एस की क्या है, पॉइंट्स है. दीज आर पॉइंट्स. पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. और बच्चों लोग, इन पॉइंट्स के साथ में एक नंबर भी है. देखो, पॉइंट्स के साथ में नंबर भी रिलेटेड है. तो बच्चों लोग, वन इज व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है. वन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है. ए से रिलेटेड जो नंबर है वन, बी से रिलेटेड नंबर है टू, तो टू क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज व्हाट, फोर. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ इज व्हाट, सिक्स. ये हमने सेवन सिक्स एट में भी स्टडी किया है. तो चलो, ये जो वैल्यूज है, नंबर्स है, इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी इज व्हाट, माइनस फाइव. और माइनस फाइव का पॉइंट है बच्चों लोग टी. माइनस फोर कोऑर्डिनेट किसका है, पॉइंट एस का. माइनस वन कोऑर्डिनेट किसका है, तो पॉइंट पी का. पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वन. पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस थ्री. बच्चों लोग, दीज नंबर्स आर व्हाट, कोऑर्डिनेट्स. बच्चों लोग, अभी डिस्टेंस को देखते हैं. बच्चों लोग, ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. तो आप बोलेंगे, सर ये तो एक ही सिंगल गैप है, तो डिस्टेंस कितना है, एक है. बी और सी में डिस्टेंस कितना है, बच्चों लोग, बी और सी पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, तो एक ही गैप है बीच में, तो वन यूनिट है. सी डी वैसे ही डिस्टेंस कितना है, तो बच्चों लोग वन ही यूनिट है. बच्चों लोग, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी और क्यू में कितनी यूनिट्स की गैप है, तो वन ही यूनिट की गैप है. डिस्टेंस पी क्यू भी क्या है, वन ही है. बच्चों लोग, डिस्टेंस क्यू आर, क्यू और आर में कितना डिस्टेंस है, तो सिंगल यूनिट का ही डिस्टेंस है. डिस्टेंस आर एस, आर एस में भी बच्चों लोग कितना, तो एक ही गैप है, तो एक ही यूनिट है. नाउ बच्चों लोग बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, कितने गैप है, अभी दो गैप है. तो बच्चों लोग, डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस ए सी कितना है बच्चों लोग, ये एक गैप और ये दूसरी गैप. ए और सी में कितने गैप्स पड़ी है, तो दो गैप्स पड़ी है. तो डिस्टेंस ए सी क्या है बच्चों लोग, टू यूनिट्स है. वैसे ही बच्चों लोग, चलो डिस्टेंस, डिस्टेंस लेते हैं आप, समझो ए ई, डिस्टेंस ए. तो बच्चों लोग, डिस्टेंस ए ई, ए और ई में कितनी गैप्स है, देखो ए से लेके ई तक, वन टू थ्री फोर. तो डिस्टेंस ए ई होगा बच्चों लोग फोर यूनिट्स. वैसे ही बच्चों लोग, डिस्टेंस पी टी काउंट करते हैं. डिस्टेंस पी टी, पी से लेके टी तक कितनी गैप्स है. डिस्टेंस पी टी, पी यहां है, टी यहां है. तो बच्चों लोग, डिस्टेंस पी टी में एक दो तीन और चार गैप्स है. तो डिस्टेंस पी टी कितना है बच्चों लोग, फोर यूनिट्स. बच्चों लोग, डिस्टेंस ओ एस गिनते हैं. डिस्टेंस ओ एस, ओ से लेके एस तक, ओ से स्टार्ट एस तक. तो गिनो बच्चों लोग, एक दो तीन और चार यूनिट्स की गैप है बीच में. गैप्स कितने, वन टू थ्री फोर. तो डिस्टेंस ओ एस है बच्चों लोग फोर. बच्चों लोग, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है. और बच्चों लोग, डिस्टेंस फाइंड करने का आसान तरीका होता है, ये तो हम गैप काउंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हम डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बच्चों लोग सिंपल तरीका यूज करते हैं. किसी भी दो पॉइंट्स में जो भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका यूज करते हैं बच्चों लोग. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन, सपोज हमें डिस्टेंस एडी फाइंड करना है, डिस्टेंस एडी. तो बच्चों लोग, सिंपल फॉर्मूला यूज करो, ग्रेटर कोऑर्डिनेट
greater coordinate minus smaller coordinate. चलो सिंपल फॉर्मूला यूज करते डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. चलो चलो समझो डिस्टेंस एडी फाइंड करना है. डिस्टेंस एडी तो चलो ए और ये बी. ए का कोऑर्डिनेट है 1, बी का कोऑर्डिनेट है 4. तो चलो बोलो अभी ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है. तो आप आसानी से बोल देंगे सर डी का कोऑर्डिनेट जो है 4, वो 4 ग्रेटर कोऑर्डिनेट है. तो बच्चों ग्रेटर कोऑर्डिनेट इज 4, देन माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज व्हाट 1. तो बच्चों डिस्टेंस एडी 4 माइनस 1 कितना होगा 3. ये सिंपल तरीका है किसी भी दो पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने का. तो डिस्टेंस एडी हमने फॉर्मूला यूज किया ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. चलो ए और डी में डी का कोऑर्डिनेट है 4, ए का कोऑर्डिनेट है 1, तो डिस्टेंस क्या 4 माइनस 1 ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस है 3. देखो गैप कितनी 1 2 और 3. तो चलो चलो कुछ डिस्टेंसेस काउंट करते हैं. चलो हमें डिस्टेंस काउंट करना है. समझो डिस्टेंस ओ एफ. डिस्टेंस ओ एफ के बीच में कितनी दूरी है देखते हैं. डिस्टेंस ओए फॉर्मूला वही ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. मतलब ओ का कोऑर्डिनेट 0 है और एफ का कोऑर्डिनेट क्या है तो 6 है. 0 और 6 में बोलो चलो ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है. तो 6 ग्रेटर है माइनस ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है चलो 0 है. तो 6 माइनस 0 कितना होगा 6. डिस्टेंस ओ एफ. डिस्टेंस ओ एफ फॉर्मूला यूज किया हमने ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. ओ का कोऑर्डिनेट है 0, एफ का कोऑर्डिनेट है 6. ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है चलो 6, 6 माइनस 0. चलो चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. डिस्टेंस कुछ और फाइंड करते हैं. बच्चों आई एम फाइंडिंग सपोज डिस्टेंस क्यू ई. डिस्टेंस क्यू ई. डिस्टेंस क्यू ई तो चलो Q और E के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको काउंट करते हैं. डिस्टेंस QE. QE इज हियर बच्चों. QE इज दिस और E इज हियर. बच्चों Q का कोऑर्डिनेट है माइनस 2. Q का कोऑर्डिनेट है माइनस 2. E का कोऑर्डिनेट है 5. E का कोऑर्डिनेट 5 है. बोलो बच्चों ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है. तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट इज व्हाट 5 और स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है चलो माइनस 2. ग्रेटर कोऑर्डिनेट इज 5 और देन ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज माइनस 2. चलो दिस इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट देन फॉर्मूला में से माइनस है एंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज व्हाट माइनस 2. चलो 5 माइनस माइनस 2 यहां बनेगा चलो प्लस 2. 5 प्लस 2 कितना 7. पर डिस्टेंस QE कितना है चलो 7. गिनो चलो गैप्स गिनते 1 2 3 4 5 6 और 7. तो चलो डिस्टेंस काउंट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. चलो नाउ आई एम फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड T. डिस्टेंस PT. चलो लेट अस फाइंड डिस्टेंस PT. तो चलो PT के लिए डिस्टेंस PT के लिए चलो पहले उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो देखते हैं. चलो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस 1. P का कोऑर्डिनेट है माइनस 1 और T का कोऑर्डिनेट है माइनस 5. नाउ चलो बोलो इन दोनों में ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है माइनस 5 या माइनस 1. चलो हमें डिस्टेंस PT चाहिए. उसके लिए हमें ग्रेटर कोऑर्डिनेट स्मॉलर कोऑर्डिनेट दोनों पता होने चाहिए. तो बोलो चलो ये तो वैल्यू से बड़ा लगता है तो आपको लगेगा माइनस 5 ग्रेटर है. नहीं चलो जो भी राइट साइड में होता है नंबर लाइन पे जो भी राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है.
नंबर लाइन पे जो राइट साइड में होता है इस डायरेक्शन में वो होता है ग्रेटर, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है स्मॉलर। बच्चों लोग अगर दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं तो जो भी बड़ी वैल्यू है, जो भी बड़ा नंबर है, वो ही बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर है, तो उसमें बच्चों लोग पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी। और अगर जो अगर दो नंबर्स दोनों निगेटिव है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव है, तो बच्चों लोग जो भी छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखनी है हमेशा। दोनों अगर पॉजिटिव है, जो बड़ा है वो बड़ा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा है, ग्रेटर है। और दोनों अगर निगेटिव कोऑर्डिनेट्स है, दोनों अगर निगेटिव नंबर्स है, तो बच्चों लोग निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, निगेटिव में अपोजिट दिखेगा। देखो ये निगेटिव नंबर है, राइट साइड में कौन से नंबर है, छोटे वाले नंबर से, लेफ्ट साइड में कौन से नंबर से, तो बड़े वाले नंबर से। तो बच्चों लोग हमेशा ध्यान में रखो। तो चलो डिस्टेंस पीटी को फाइंड करते हैं। डिस्टेंस पीटी ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मतलब पीटी में पी का कोऑर्डिनेट है माइनस वन, टी का कोऑर्डिनेट है माइनस फाइव, ग्रेटर कौन सा है, तो माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस। स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है, माइनस फाइव, माइनस फाइव। बच्चों लोग निगेटिव नंबर्स में जो स्मॉल होता है वो बड़ा होता है, और जो दिखने में बड़ा होता है निगेटिव में वो छोटा होता है। माइनस वन माइनस माइनस बच्चों लोग बनेगा प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस, देन वन वैल्यू इज माइनस वन इज प्लस, तो यहां सब्ट्रैक्शन होगी बिकॉज वन इज निगेटिव वन इज पॉजिटिव। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, फाइव माइनस वन फोर, और साइन किसका आता है बड़े टर्म का, बिगर वैल्यू इज प्लस फाइव है उसका साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस साइन देना पड़ेगा। और प्लस लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो बच्चों लोग डिस्टेंस पीटी कितना है, तो फोर यूनिट्स है। डिस्टेंस पीटी क्या है, फोर यूनिट्स है। बच्चों लोग डिस्टेंस फाइंड करने का ये है आसान तरीका, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज व्हाट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। चलो बच्चों लोग और एक आखिर में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बच्चों लोग आई वॉन्ट डिस्टेंस ओ एस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ओ एस। बच्चों लोग ओ का कोऑर्डिनेट है जीरो और एस का कोऑर्डिनेट है माइनस फोर। नाउ टेल मी विच इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट। जीरो आर निगेटिव है, तो जीरो कहां आता है बच्चों लोग, राइट साइड में आता है, तो जीरो ग्रेटर है। जीरो में और निगेटिव में ग्रेटर कौन होगा, जीरो होगा। ग्रेटर क्वांटिटी इज जीरो देन माइनस, स्मॉलर क्वांटिटी इज माइनस फोर। जीरो माइनस माइनस फोर इज प्लस फोर, जीरो प्लस फोर इज फोर। तो बच्चों लोग डिस्टेंस ओएस कितना है, फोर यूनिट्स। हमने बहुत डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए लेकिन हर बार आपने देखा डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। बच्चों लोग कंसेप्ट क्लियर रखो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। और बच्चों लोग ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट वैल्यूज पुट करने के बाद डिस्टेंस बहुत इजीली आसानी से मिल जाता है। और ये भी ध्यान में रखना है बच्चों लोग आप लोगों को, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट या ग्रेटर नंबर कौन सा है, जो भी ग्रेटर है वो ग्रेटर है, जो भी बड़ी वैल्यू है वो ग्रेटर कोऑर्डिनेट है। बच्चों लोग अगर एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है और एक निगेटिव है, तो इनमें से ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, तो जो पॉजिटिव वाला है वो ग्रेटर कोऑर्डिनेट होगा। बच्चों लोग अगर दोनों वैल्यूज दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव है, तो इनमें ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, जो भी दिखने में छोटा है, निगेटिव्स अगर दोनों निगेटिव्स है, तो जो दिखने में छोटा है, जो वैल्यू छोटी है, तो वो बड़ी होती है। बच्चों जो पॉजिटिव में रिलेशन होता है वो निगेटिव में उल्टा होता है, पॉजिटिव में जो बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन दोनों निगेटिव है तो जो छोटा है वो बड़ा है। इतना कंसेप्ट क्लियर रखो बच्चों। तो बच्चों ये था अपना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस
स्मॉलर क्वांटिटी। तो बच्चे लोग, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपना जो भी चैनल है बच्चा क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, और बच्चे लोग तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, जो भी रिलेटिव्स है, अड़ोस पड़ोस वाले बच्चे हैं जो नाइन्थ में है, उनको भी अगर जरूरत है तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो बच्चे लोग चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।